हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम नागालैंड स्टेट से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है या संभावना है उन सब क्वेश्चंस को एमसीक्यू की तौर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले आप लोग अभी तक जिन लोगों ने बेलाइकॉन में क्लिक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेलाइकॉन में भी क्लिक करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आगे हम लाएंगे वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो और एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पीडीएफ बुक है त्रिपुरा जीके के ऊपर जो हमारे चैनल के द्वारा स्टडी टू फोर के सेवन के द्वारा पब्लिश किया गया है ये एज ए पी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ रहेगा वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहला जो सवाल है कुछ कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर ऑन ऑन ईस्ट साइड ऑफ नागालैंड नागालैंड के ईस्ट साइड में यानी पूर्वी तरफ कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नागालैंड स्टेट एक तरफ है एक तरफ है आसाम दूसरी तरफ मणिपुर और फिर है म्यांमार तो ईस्ट साइड में कौन सा है ईस्ट साइड में है म्यांमार तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन ईयर नागालैंड फॉर्म सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया सी साल में नागालैंड में नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा मिला तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1963 में थ्री में दॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉर्नबिल फेस्टिवल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट के एक जो कल्चर है उसके तहत तो हॉर्नबिल फेस्टिवल एक महीने के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है तो वो महीना कौन सा है द मंथ इज ऑप्शन डी दिसंबर द बैटल ऑफ कुहिमा वाज फॉट इन बैटल ऑफ कुहिमा कब लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 1944 को हुच वन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड नीचे चार दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश द सिक्रेणी फेस्टिवल इज मेनलीब्जर्व दिक्रेणी फेस्टिवल इज मेनली नागालैंड के एक ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वो ट्राइब कौन सा है दाइब इज हंगामी ट्राइब हुई वन इज दाइएस्ट पीक इन नागालैंड नीचे ऑप्शन में से कौन सा हाइएस्ट पीक है नागालैंड का आंसर इज सार The total number of main tribes in Nagaland. Nagaland main tribes? Hai? The correct answer is option B 16. The Nagaland University was established in the year 1994. Head office of National Research Center on Mithun. NRCM is located in NRCM? Kaha pe hai? NRCM hai option B Dimapurme. Who was the first governor of Nagaland? Nagaland ka pehla governor. वो थे विष्णु सहाय हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नागालैंड में सबसे लंबे वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहने के तौर पे कौन थे वो थे एस सी जामिर द टोटल एरिया कवर्ड अंडर नागालैंड इज एरिया कितना है 16579 स्क्वायर किलोमीटर नागालैंड वाज फर्स्ट कनेक्टेड टू द रेलवे लाइन इन द ईयर नागालैंड में सबसे पहले कौन सी साल में रेलवे का स्थापना हुआ रेलवे की स्थापना हुई नागालैंड में 1903 में हु इज द फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड रेसिपेंट ऑफ नागालैंड नागालैंड के पहले पद्मश्री अवार्ड रेसिपेंट कौन थे एंड द द आंसर इज इज एल किजिंगलुबा आओ नागालैंड स्टेट ट्री नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा नागालैंड का स्टेट ट्री है आयरन अश्वत्थ अश्वत्था अल्डर बेल एंड द करेक्ट आंसर इज

करेक्ट आंसर इज पी शिलू आउ दंगी पार्क इज लोकेटेड इन हु पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है द करेक्ट आंसर इज द रंग रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड ऑन रंगप्पाह कहा वो है दिमापुर में हुई आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड नागालैंड के लिए अलग दर्जा दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी आर्टिकल के तहत डेट इज फोर्टी अगस्त इन हुई सिटी द लार्जेस्ट चर्च ऑफ एशिया इज लोकेटेड कौन सी सिटी में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है वो हुई ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट नागालैंड नीचे चार ऑप्शन में से नीचे यानी पांच ऑप्शन में से कौन सा नागालैंड में मनाया जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज एमोंग मेर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड नागालैंड में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज इलेवन ऑन हिच रिवर इज दंग हैप ड बिल्ड दोंग ड कौन सी रिवर में बनाया गया है तो बनाया गया है दोयांग रेवर दोंग रिवर में